का किनारा और यही सोच रहे हैं भगवान कि जब से मैं संजय सरकार के यहाँ पर मैं नौकरी करने लगा, हमारे मालिक साहब आज तक मुझसे कभी हिसाब एक पैसा के लिए क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और ये भी सोच रहा हूँ कि हमें इतनी बड़ी छूट दिए हैं कि 3 महीना मैंने काम किया, एक पैसा मुझे दिए नहीं, और न पूछते हैं क्या कर रहे हो। इतना बड़ा सुख हमें यहाँ है, जो खाऊं जो पहनूं वही कम है। लेकिन ये भी सोचता हूँ भगवान, मेरी माँ ने रोया है 800 रुपये के लिए, और मैंने कसम खा करके इस शहर बिहार आया, तो भगवान मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा। सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़कर चला जाता हूँ, तब भी बड़ा पाप है। गरीब आदमी कोई विश्वास नहीं करेंगे, गरीब नौकरी करने आएंगे कोई सहारा नहीं देगा। अगर मैं आज संजय को धोखा देकर भाग जाता हूँ तो यही कहेंगे कि ये लोग गद्दार और बेवफा होते हैं। और माँ को भूल जाता हूँ तभी बड़ा पाप है भगवान, कि माँ की करनी, माँ के दूध और माँ की कोख से कभी उद्धार नहीं होगा। यही सोचने आ रहा हूँ कि इधर माँ को छोड़ दूँ या नौकरी छोड़ूँ, यही सोचने आ रहा हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया हूँ कि जो मुझे नौकरी दिलाए हैं श्री राम जी, जो संजय के यहाँ पहले नौकरी करते थे उनके नौकर हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि मैं कुछ अपने मालिक का लेकर नहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे नौकरी दिलाए हो और तुमसे बता के मैं अपने घर जा रहा हूँ। हमारे मौसिया का देखा का कहा था, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा जाऊ चढ़ी उतार। हाँ यार, नदिया किनारे देखिए श्री राम जी भैया, मैं यही सोचने यहाँ पर आया हूँ नदी किनारे हा? कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। नौकरी आप नहीं करेंगे? जब 3 महीने मैंने काम किया एक पैसा नहीं मिला, तो इसे मैं मालिक का कुछ लेकर जाऊंगा, और ना मालिक को मैं धोखा देना चाहता हूँ। मैं तुमसे सही बात भैया, क्या मजाक तुमने क्या मजाक करता है यार, मजाक बचा दिया 50 रुपया तोला। अरे चूड़ी कब से पहना बे? चूड़ी पहने जब से हमारा परीक्षा हुआ। तुम्हारे कितने हाथ हैं? हमारे पास 3 हाथ है, दहिनवा बावा लेबरवा। और आदेश नदी किनारे अकेले मेरी क्या सोच रहे हैं आप? अकेले मेरी किस्मत में लिखा है मालकिन। अच्छी तो बात छोड़ो, ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? आप मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इनका देखा इन कैसे लागत यहाँ, हमका देखा हम कैसे लागत है। देखिए ये बड़े घर की लड़की है, जब से पैदा हुई और आज तक इन्हें सुखी मिला, इसलिए प्रभु ने अपने हाथ से बनाया भी है, इसलिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और का और आपको जैसे तिलकहार लागत है। बोल भाई ने खराब हम यहाँ राजेश इसे टाल बैठ जाओ। आपके सामने मैं इस ऊंचे स्थान पर बैठूं? तो क्या हुआ है, कहा आप एक मालिक में और आपका मैं नौकर। अभी अभी आपने मुझे क्या बोला? मैं तुझे अपना मैं मालिक बोला। तो मालिक कहीं नहीं करोगे? मालिक का कहना करना नौकर का फर्ज होता है। तो मैं तुम्हें कम देख रही हूँ बैठने के लिए, चलो बैठो। मालकिन मैं आपके कहने पर मैं बैठ रहा हूँ। बैठिए। बैठा रो रे राम हो झूलनिया की झैया, बैठा सोनावा के थालिया में देवाला परोस, देवा मोरे राम हम डोलाई रस। राजेश
ध्यान सुनना, मैं क्या कह रही हूँ और क्या चाहती हूँ। आई हूँ राजेश में दिल में लेके मुझको आखिर मुझ में क्या कमी है आशिक बनवारी। बनवारी की माता ढोलक मारे और तुम्हें मैं क्या कहूँ। खबरदार खबरदार, कहो चिखुरी बनवारी खत्म हो गए, अब आपको मालिक, आप मालिक पार्टी बन गए तो आप कह रहे हैं कि बनवारी की माँ का ढोलक मारू। तो इनको यही सिखा कर गए हैं गरिया जी। गरिया में खोज चला गया पोछवा, अपने गांव से गरिया आया, उनके मालिक के हाथ। आखिर मुझ में क्या कमी है आशिक बनवारी, आज करूं मैं आपसे बना लो मुझको। मैं दिल की तेरी दीवानी जी, ये चाहती मालिक आप हमारे मालिक, मैं आपका नौकर हूं। मेरी वो समय थी कि एक टुकड़ा रोटी को मैं तरस रहा था, आपके भाई साहब ने मेरी मजबूरी मेरी गरीबी देख करके आज ये सोने चांदी की दुकान का मालिक बना दिए हैं। तो मैं एक नौकर होकर के अपने मालिक की बहन बेटी के साथ इस तरीके से दुष्कर्म करूंगा जो तुम सोच रही हो। कैसे करूं? जो तुम सोच रही हो, आप जैसे वो मालिक की बहन बेटी वैसे मेरी बहन बेटी के समान है। क्या कर रहे तुम? मैं जो कह रहा हूँ, मैं आपका नमक खाया हूँ मालकिन, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। संजय बाबू ने हमें अपने आज दुकान के मालिक बनाए हैं, तो क्या मेरा ही धर्म है कि अपने मालिक की बहन बेटी के साथ अपना मुंह काला करूं? आप मालिक होकर कुछ कहिए, लेकिन मैं आपका नौकर हूं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे उनकी बहन बेटी वैसे मेरी बहन बेटी हैं। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा कि होश ने अपना हो ये इसके में होके तुम अंबर की अपसरा मैं धरती का दू। राजेश मालकिन, मैं मालकिन थी लेकिन अब नहीं। इतना नहीं, आप कुछ भी कहिए लेकिन मैं आपके सामने सर नहीं उठाऊंगा। हुए और मैं आपकी नौकरानी बलम, आपको जब से देखी हो मेरे सनम, सच कहूं मेरी साल में जवानी हुई। तो आपका मैं हुक्का भी नहीं देवी जी, आप धनवान हैं मैं तो कंगाल हूँ, चाहे जो कुछ कहो मुझको इतराज क्या, आपका मैं तो नौकरिये फिलहाल हूँ। मुझे दे चाहिए लाख दौलत, मुझे एक नजर देख लो चश्मे नूर तुम, और आज
सी आपको मैं पति मानती। आज से आपको मैं पति मानती, मांग भर दो मेरी लेके सिंदूर। तो जुल्म करिया नहीं देवी परदेश में, वरना बेमौत ही मारा जाऊंगा मैं। चाहे जो कुछ कहो मुझको इतराज क्या, चाहे जो कुछ कहो मुझको इतराज क्या, फर्ज जो है मेरा वो निभाऊंगा मैं। मालकिन आप कुछ भी कह सकती हैं, आप मेरे मालिक के समान हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। मैं तो यही कहूँगा जैसे उनकी बहन बेटी हमारे मालिक साहब की, वैसे मेरी बहन बेटी के समान आप। अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो बिगैर मेरी इजाजत यह सब जाम ले सकते हैं। मालकिन सुन लो, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपना धर्म नहीं टिकाऊंगा, मैं अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ, ये नौकरी मुझे नहीं चाहिए। अरे मालकिन जी, इन दो वाक्यों के लिए जा रहा मैं क्या करूँ? हे बोले ना, बचपन से मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, आज के मैंने दिन कुछ नहीं मांगा, आज एक छोटी चीज मांग रही हूँ, दे दो भैरव बाबा। मोर जोगिया के मनाही दे भोले ना, मोर जोगिया के मनाही दे भोले ना, बात मोरी बिगड़ी बना जाए भोले ना, बात मोरी बिगड़ी बना। मोर जोगिया के मनाए जा हे भोलेनाथ, मोर जोगिया के। जय हो बाबा की। बोल बम बात मोरी बिगाड़ी बनाई दे भैरवनाथ, बात मोरी बिगाड़ी बनाई
साघंबरी तन पर सोहे, नाग की माला मन को मोहे, कर त्रिशूल डमरू धारी, बोले भले सबके हो। बुरे भले सबका साथी, कहती है बैल की पाती, बुरे भले सबके गुस्सा थी, कहती है बैल की पाती, बुरे भले सबके गुस्सा थी, एक बार तरसा दिखाई दे मोर जोगिया के मन, जय हो बाबा की, दोहाई बाबा बैजनाथ की जय। हकीकत में जिनका पुजारी मैं था, उन्हीं की पुजारन तुम निकली, माया बाबा की है कि तुम्हारे प्यार की तरफ मैं मुड़ गया है। लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा, क्या कि मैंने कहा कि जैसे मेरे मालिक की बहन बेटी वैसे हमारी बहन बेटी आप हैं। अगर तुम मुझे चाहती हो, मुझसे प्यार करना चाहती हो, तो चल को भाई से खुद कहो कि मैं राजेश से प्यार करती हूँ। अरे मैं कहूँगी भैया से। अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं जाकर तुम्हारे भाई से खुद कहूँगा कि तुम्हारी बहन मुझे मजबूर कर रही है, और बाद में मत कहना कि नौकर बेवफा और गद्दार होते हैं। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं कहूँगी भैया से। कहोगी तो ठीक है। तब कहे तीन महीने की तनख्वाह तू पावा भैया, हर नौकरी हर छोकरी। नहीं, अगर ये नहीं कहेंगे तो मैं खुद कहूंगा, लेकिन मैं मालिक के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे चाहती हो तो भाई से कहो। ठीक है, कहूंगी। ठीक है। और गोर की पतर की रे, गोर की पतर की रे, मारे गुले लवा जियरा उड़ी उड़ी जाए, हे गोर की पतर की रे, तोहरी नजरिया जिया में गड़गर जा, गोरिया खेतवा कियारी कहे मारे गजब शिकारी, थर थर का पीरी जियरा, ओ थर थर का पीरी जियरा, तो चले हमरे करे जुआ पियारी, नाजुक दहिया लचका जैसे, नाजुक दहिया लचका जैसे, बौरा ले अमवा की डाली सुनी तुरी बोलिया रे, ओ सुनी तुरी बोलिया रे, लगती जुलनिया भैया गिरगिरी, ए कुर्ती पकड़ ती रे, बहिया में आवासी मटी के अब लाजे शरम बिसराया, में भर के से निर्वा, ओ मैया में भर के से निर्वा, पहले तो आदिल बनाता, तोहरे कारण छुल गया मनवा, तोहरे कारण
कनिया बुझा जा कि मोरी सुगन मारे हो मोरी सुगन मारे तू सिलपट के मैना मर मर गया हे गोरकी पातर कीरे मारे माइकल सुना सिंगार सुना सिंगार और हमारी बिंदिया बिना सुना सिंगार हमारी बिंदिया बिना सुना सिंगार सुना सिंगार सुना सिंगार हमारी बिंदिया बिना राम बली बेदरा भैया जय राम सैराब जी की ये बताओ राजेश दुकान पर कैसे काम कर रहे हैं अरे बपई रे क्या हुआ उनका नावा जिल लिया क्यों राजेश राजेश भैया इतना अच्छा काम करता है कि आप कह रहे हैं कौन गोला क्या पूरा खेतवा गोला यार क्या मजाक करते हो मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा हूँ समझ जा भैया सब समझ जा भैया हर गहना बनवा लागे चलिए जेवरात बनाने में बहुत आगे बढ़ गए हैं दीदी आएगी दीदी भैया नमस्ते बहन नमस्ते भैया कैसे आना हुआ क्या बात है ये छोटी बहन आज आप कुछ कहना चाहती है बहन क्या कहना चाहते हो तुम बैठिए मेरे दिल में बाकी है अरमान भैया मेरे दिल में बाकी है अरमान भैया मेरे दिल में बाकी है अरमान मेरे ऊपर के एहसान कर दीजिए भैया बहन मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारे और कोई नहीं है और बता दिल में अरमान क्या मेरी बहना बता दिल में अरमान बता दिल में अरमान क्या मेरी बहना बता दिल में अरमान क्या मेरी बहना मानूंगा मैं तेरा हर एक कहना मानूंगा मैं तेरा बहन क्या बात है उसे बताओ राजेश के संग में कर दो सगाई रामबली बहन जी क्या हो गया कर दो सगाई राजेश के संग में कर दो सगाई राम बली का भैया यारी क्या कह डाली जरा शर्म नहीं खाई कहो एक नौकर और मैं एक मालिक मालिक बताइए राजेश के संग में कर दो सगाई शादी करने के लिए कह रही है तुहार नाक हिंस कट दिया है अब जान ले और तुम्हारी तुहार हिंस कट दिया है हमारा तो हिंस कटे है क्योंकि जैसे सच मेरी बहन वैसे तुम्हारी बहन जैसे दूसरे की बहन वैसे जान का बहन पागल कह के बहन और आगे बढ़ो और बहन ऐसा कहते जरा ना लजाई बहन ऐसा कहते
मारू ने अपने बल के ज्ञान से, कहती हूँ सच सची जरा ना छिपाई, कहती हूँ सच सची जरा ना छिपाई, जरा ना छिपाई, जरा ना छिपाई, राजेश के संग में कर दो सगाई। फिर वही बात, तुम्हें शर्म नहीं आती, बार बार कहती हो राजेश के संग में कर दो सगाई। बहन पहले सोचो और समझो ये जमाना कैसा है, क्या से क्या हो रहा है। इस जमाने में किसी का अब नहीं विश्वास है, काम जो सोचे ना करे वो काम सत्यानाश है, और करो काम वो जिसमें कुछ हो भलाई, करो काम वो जिसमें कुछ हो भलाई, कुछ हो भलाई, मेरी शान मिट्टी में तूने समझो ये बेकार है, और मेरी आबरू को उन्हीं ने बचाई।